नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल में। जैसा कि आज 14 अप्रैल है, आज के दिन भारत में एक ऐसे रत्न का जन्म हुआ था जिनको हम सब आप बाबा साहब कहते हैं। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव राम जी आम्बेडकर। इनका जन्म भारत के मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। बचपन से ही शोषण, पीड़ा और भेदभाव में गुजरा जीवन इनका, लेकिन विचारों में अडिगता, असाधारण व्यक्तित्व के धनी भीमराव अंबेडकर ने न केवल राष्ट्र निर्माण में अतुलनीय योगदान दिया, बल्कि अपनी प्रखर बुद्धि और क्रांतिकारी विचारों से समाज के हर क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव की पुरजोर कोशिश की। उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, संवैधानिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने संविधान बनाने में अगुवाई की और आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री बने। वे दलितों, महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़े, साथ ही सामाजिक, आर्थिक बदलाव के वाहक भी। 20वीं सदी में महान लोगों में उनका नाम आदर से लिया जाता है। आज उनकी जयंती है तो मैं उनके बारे में कुछ आपको बताता हूँ। इनके पिताजी का नाम रामाजी मालोजी सकपाल, जो कि ब्रिटिश समय में फौजी थे, और इनकी माता भीमाबाई की ये 14वीं संतान थे। परिवार में सबसे छोटे थे, लेकिन टैलेंट बहुत था इनके अंदर। बचपन बेहद गरीबी, परेशानी से गुजरा, लेकिन दोस्तों गरीबी कितनी भी हो, शोषण आपका कितना भी हो, लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर क्षमता है, आप संघर्षों से जूझना जानते हैं, तो आप एक समय बाद इतिहास को बदलने में सक्षम जरूर होते हैं। इनको शोषण का सामना इनकी जाति के आधार पर करना पड़ा। महर जाति में जन्म लेने से अछूत का तंगा इन पर लग गया। सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से असमानता का व्यवहार इनके साथ होने लगा। स्कूल में इनके साथ दुर्व्यवहार होता था, टीचर तक इनको छूते नहीं थे। साथ ही इनको क्लास की लास्ट बेंच पर बैठने का मौका दिया जाता था। साथ ही पानी पीने के लिए जो पात्र होता है उसको छूने तक का इनको अधिकार नहीं था। आप सोचिए कि कितना शोषण हुआ होगा उनका उस समय में। लेकिन दोस्तों कहते ना कि टैलेंट जो ना आदमी को शिखर पर पहुंचा देता है, और मेहनत के दम पे। तो इनके पास दोनों चीज़ें थीं, बेजोड़ मेहनत और अपने टैलेंट के दम पर। एक बड़ौदा की महाराजा थे समाजी राव, उन्होंने क्या किया, 25 रुपये प्रति महीने इनको स्कॉलरशिप दी अमेरिका में पढ़ने के लिए। अमेरिका गए, 1912 में इन्होंने क्या किया, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में वहाँ से डिग्री प्राप्त की। 1912 के बाद 1916 में इन्होंने पीएचडी की डिग्री भी प्राप्त की। 1923 में डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री से इनको नवाजा गया। 1926 बम्बई विधानसभा परिषद के लिए इन्हें मनोनीत किया जाता है। देखिए दोस्तों, गरीबी, लाचारी और शोषण के दौर से गुजरते हुए व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है। बम्बई विधानसभा में इनको मनोनीत किया गया। अब इनका दौर शुरू होता है। राजनीति में आने के बाद इन्होंने देखा कि लोगों के साथ किस प्रकार दुर्व्यवहार हो रहा है। 1927 में महाड़ सत्याग्रह, एक महाड़ सत्याग्रह होता है, उसमें क्या, ब्रिटिश सरकार जो अछूत लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करती, तो उसका शोषण होता है, तो उसके लिए सत्याग्रह चलता है। लेकिन वो सरकार तो इंतजाम करती थी, लेकिन समाज में कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जो फिर भी उन चीज़ों का शोषण करते रहे। उसके बाद 24 सितंबर 1932 पूना समझौता होता है गांधी जी के साथ में। उसमें विधानमंडल में दलितों के स्थान को बढ़ाने का प्रस्ताव होता है।
साथ ही हिंदू धर्म से होने के बावजूद इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किस आधार पर किया, इतना शोषण हुआ इनका, तो इन्होंने सोचा कि तो किस काम का धर्म, ऐसा धर्म किस काम का जब हमें समानता नहीं है समाज में, लोगों के बीच में बैठने की, उठने की, शिक्षा की, आर्थिक की। इन्होंने फिर 1956 में हिंदू से बौद्ध धर्म अपना लिया। फिर भारतीय आज़ादी का दौर चल रहा था, 19 अगस्त 1947 संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए इन्हें चुना गया। प्रारूप समिति का गठन होता है 29 अगस्त 1947 को, जिसमें 7 सदस्य होते हैं, उसमें इनको अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, आंबेडकर शब्द जो है, जो इनको भीमराव अंबेडकर बोलते हैं, वो अंबेडकर नहीं आंबेडकर होता है। आंबेडकर शब्द जो है मराठी भाषा का एक शब्द है, अंबेडकर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज से लिया गया। साथ ही इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, हमें अपना रास्ता खुद बनाना होगा, राजनीतिक शक्ति शोषितों की समस्याओं का निवारण हो नहीं हो सकती, उनका उद्धार समाज में उनका उचित स्थान पाने में निहित है। साथ ही इन्होंने समतामूलक समाज के लिए जोर शोर से प्रयास किया, महिलाओं के लिए देखिए कितने जागरूक थे, कि आजकल भी देखिए, अब तो बहुत ज़्यादा वो हो गया, समाज सुधर गया है पहले से, लेकिन जो शोषण हो रहा उसके विरुद्ध उन्होंने बहुत अधिकार, बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रयास किए। मजदूर जो कि 14-14 घंटे तक काम करते थे, उनके अधिकारों के लिए उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, उसमें उन्होंने वो समय जो है, अब जो ऐसे 8 घंटे मजदूर काम करते हैं, वो उनके द्वारा ही लाया गया कि मजदूर 8 घंटे काम करें। महिलाओं का संपत्ति में अधिकार उन्होंने दिलवाया। साथ ही उन्होंने कहा कि पूंजीवाद जो है ना समाज के लिए खतरा है, राष्ट्रीयता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की पैरवी हमेशा से उन्होंने की। साथ ही क्या है कि दोस्तों, समाज में क्या है कि लोग अभी भी वही रूढ़िवादी सोचों से घिरे हुए हैं, तो क्या है कि सोच जब तक नहीं बदलेगी तो समाज नहीं बदलेगा। अंबेडकर शब्द, जैसा कि इनके नाम के साथ अंबेडकर जुड़ा हुआ है, ये इसका भी एक फैक्ट है, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आंबेडवे गांव में निवास करते थे ये लोग सब लोग। तो क्या है कि वहाँ के लोगों का ये था कि उस समय कोंकण प्रांत के लोग जो थे वो नाम के बाद उपनाम के रूप में गांव का नाम ऐड करते थे, तो इस प्रकार से गांव के कारण उनका अंबेडकर ऐड हुआ उनके नाम के साथ में। उनका विवाह 15 वर्ष के जब थे तो उनका विवाह 9 वर्ष की रमाबाई के साथ होता है, लेकिन वो अपनी लंबी बीमारी के बाद गुजर जाती हैं। फिर वो पुनर्विवाह करते हैं 1935 में सविता अंबेडकर के साथ। मुंबई जैसे महाराष्ट्र जैसी अभी आया तो मुझे याद आया कि आज कई मामला है कि लोग बांद्रा स्टेशन पर एक साथ इतनी भीड़ एकत्रित हो गई है, आप लोग जान रहे हैं कि देश किस महामारी के दौर से गुजर रहा है। कुछ अफवाहें हैं या क्या है वो सब तो नहीं अभी क्लियर है, लेकिन आप लोग खुद समझदार हैं कि आप लोग जहां हैं वैसे ही रहिए। हाँ, समझ सकते हैं कि कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आप जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे, आप अपने घर भी जाएंगे तो भी समस्याओं का सामना वहाँ भी लोग कर रहे हैं। तो आप जहाँ हैं जैसे भी समझौता करिए चीज़ों से, हालात सुधरेंगे, आप अपने घर में पहुँचेंगे। इसीलिए कहते हैं कि पशु और मनुष्य में कुछ चीज़ों का अंतर होता है। तो क्या है, मूल रूप से पशु और मनुष्य में ये बहुत बड़ा अंतर है कि पशु जो होता है अपने विकास की बात नहीं सोच सकता है, लेकिन वही मनुष्य सोच सकता है और मनुष्य अपना विकास कर सकता है। तो आप समझिए चीज़ों को और अपने को जहाँ है वहीं स्थिर रखिए। जय हिंद, जय भारत, स्टे एट योर होम, थैंक यू सो मच।